बीती रात क्राइम ब्रांच के अमली पदार्थ विरोधी दस्ते ने गुप्त जानकारी के आधार पर शहर में बड़ी संख्या में ई सिगरेट डिवाइस का उपयोग करने वाले जगहों पर छापा मारकर करीब 2,55,200 का माल जब्त कर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच के अमली पदार्थ विरोधी दस्ते को कई शिकायतें मिली थी कि शहर में बड़ी संख्या में ई सिगरेट डिवाइस का उपयोग युवा पीढ़ी नशे के लिए कर रही है। इसी सूचना पर शहर भर में टीम ने जांच अभियान शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि इस दौरान 3 अलग अलग जगहों पर छापामार कार्रवाई कर करीब 2,55,200 रुपयों की ई सिगरेट डिवाइस को जब्त किया गया है। साथ ही तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना सीतावर्डी में हुई तो वहीं दूसरी घटना लकड़गंज परिसर के अंतर्गत आने वाले शांति नगर तथा तीसरी घटना सक्करधरा थाने के अंदर आने वाले टेक्सास एंड स्मोक शॉप में हुई। हाँ बराबर है, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक सिगरेट पे बैन लगाया हुआ है और वो बैन मतलब इसलिए कि उससे तुम्हारा जो आरोग्य है वो जल्दी खराब हो जाता है, उससे डैमेज हो जाता है लंग्स वगैरह, तो उसके उस पर बैन है इलेक्ट्रिक सिगरेट पे। तो उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई आर्किटेक्टर्स करके धर्मपेट में वो ये सिगरेट बेच रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। तो उस इन्फॉर्मेशन से उनका शॉप में जाके हमने सर्च किया तो कम से कम उनके पास से हमें 1,00,000 रुपये का ई सिगरेट्स मिला। उसका हमने पंचनामा कार्रवाई करके उसका जो ऑफेंस है वो सीतामढ़ी में उसका गुना दाखिल किया है। अगला इन्वेस्टिगेशन जाता पास सीतामढ़ी वाली कर रहे। उसके बाद में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि टेक्सास में स्मोकिंग जोन है सक्करधरा में, वो भी इस प्रकार की सिगरेट बेच रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उस पर भी हमने कार्रवाई की। उसके पास भी कम से कम हमें 1,25,000 रुपये का माल उसके पास से भी बरामद किया, जिसमें इलेक्ट्रिक सिगरेट थी और कुछ उसके चार्जिंग पॉइंट्स भी थे। तो वो भी इलीगली उसको बेच रहा था, तो उस पर भी पंचनामा कार्रवाई करके उसका गुना सक्करधरा में हमने दाखिल किया। फिर नेक्स्ट डे हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा प्रकार बहुत जगह पर हो रहा है। तो 3-4 जगह हमने दुकान जो शॉप स्मोकिंग शॉप से वहाँ विजिट करके वहाँ पर चेक किया बट मिला नहीं। लेकिन एक शॉप में जो सूरज देवानी करके उसके शॉप में हमें 30,000 रुपये का इलेक्ट्रिक सिगरेट मिली। उसका ऑफेंस हमने पीएस लकड़गंज में दाखिल किया और अगला तपास जो है पीएस लकड़गंज कर रही है। एनबीसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।